स्वस्तिका त्रिपाठी आपकी हिंदी अध्यापिका टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग विषय हिंदी व्याकरण में अध्याय 2 का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन अभ्यास कार्यों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते फिर करेंगे। प्रश्न नंबर ग, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित यानी जिस प्रश्न के लिए जो सही शब्द हो, उन शब्दों से आपको रिक्त स्थान यानी खाली जगहों को भरना है, पूर्ति कीजिए यानी भरना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न पढ़ना चाहिए। हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर उसका आंसर जो सही शब्द होगा उसको हम वहां लिख करके उस स्थान को फिल करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूं कि ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो वीडियो देख करके उसका आंसर भी याद हो गया होगा। तो आइए मैं एक छोटा सा आम का पिक्चर यानी चित्र बनाती हूँ और इसमें कुछ शब्दों को लिखी हूँ। इसमें से जो जिस प्रश्न के लिए जो सही शब्द होगा उसको आप उस खाली जगह पे क्या करेंगे, लिखेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न का रहा है पहला, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं। बच्चों इसमें देखिए क्या कहलाते हैं, अयवा कहलाते हैं, नहीं, स्वर कहलाते हैं, नहीं, निश्चित कहलाते हैं, नहीं, शयित कहलाते हैं, नहीं, क्या होगा, वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों सही जवाब वर्ण कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, इसको हम यहां फिर कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2, अ ई उ री आ, फिर यहां खाली जगह है, कहलाते हैं। अ ई उ री आर क्या कहलाते हैं, मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। निश्चित नहीं, संयुक्त ये भी नहीं, अयवा ये भी नहीं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ओके, अ ई उ री स्वर कहलाते हैं, तो हम यहां स्वर भर देंगे। ठीक है ना, अंडरलाइन भी कर देंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, अं तथा अह क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, अयवा कहलाते हैं। अं और अह क्या कहलाते हैं, अयवा कहलाते हैं। वेरी गुड, अयो योग वा, अंग और अह क्या कहलाते हैं, अयवा कहलाते हैं। वेरी गुड, ओके। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, दो वर्णों से बनने वाले व्यंजन। पिछले वीडियो में मैं दो वर्णों से बनने वाले व्यंजन के बारे में आप लोगों को बताई हूं, कितने हैं, 4 है ना, छ त्र ज्ञ स्र, वो दो व्यंजनों के योग
बनने वाले व्यंजन हैं। तो ये कह रहा है दो वर्णों से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वेरी गुड। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दो वर्णों के योग से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पांचवा है वर्णमाला में सभी वर्ण खाली स्थान है, आपको याद रखना है क्रम में दे है। वर्णमाला में सभी वर्ण कैसे होते हैं? एक निश्चित क्रम में होते हैं। मैं वर्णमाला की परिभाषा के बारे में आपको बताऊं ना कि वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं, ठीक है ना?